गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन. इन यस्टरडेज क्लास वी हैव लर्नड अबाउट मेल्टिंग अप टू हियर. यस, व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग इज चेंज ऑफ ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड स्टेट. ओके, वी हैव डन द एक्टिविटी ऑन आइस. यस, अपन क्या करें, आइस को कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करें. तो उन्हें आइस फॉर्म किस फॉर्म में चेंज हुआ? वाटर में चेंज हो गया. ठीक है, आइस कन्वर्टेड इंटू वाटर एट वॉट टेम्परेचर? 0 degrees Celsius और 273 degrees Kelvin. मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 degrees Celsius और 273 Kelvin. ये लास्ट क्लास में हुआ. आज की क्लास में अपन देखेंगे द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 gram ऑफ सॉलिड कम्प्लीटली इंटू ए लिक्विड एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 gram ऑफ ए सॉलिड. अब सपोज 1 gram ऑफ सॉलिड है, अपने को ये सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, अपने को 1 gram ऑफ सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अपने को कंपलसरी हीट करना पड़ता. ठीक है, सॉलिड को अगर अपन हीट करें तो ही अपने को लिक्विड फॉर्म आता. ओके, तो जो 1 gram ऑफ सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी लगती उसको क्या बोल रहे हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहे. ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? वंस अगेन आई रिपीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 gram ऑफ ए सॉलिड कंप्लीटली इंटू ए लिक्विड. ओके, 1 gram ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी अपने को रिक्वायर हो रही उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ये कब हो रहा है? एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ओनली. ओके, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर.